हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इजी सा नीटिंग पैटर्न, जो बनाने में बहुत ही इजी है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, आसान है और जल्दी जल्दी से बनके ये तैयार होने वाला डिज़ाइन है। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है, केवल 4 सिलाई में बनता है ये डिज़ाइन। और इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर पे बनाइए या लेडीज स्वेटर पे बनाइए या बच्चों के प्रोजेक्ट पे आप इस डिज़ाइन को बनाइए, बना के ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, बहुत ही इतना आसान ये डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है इसे बनाने के लिए हमने फंदे लेने हैं इवन नंबर पर, यानी कि जोड़े पर, यानी कि दो 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 करके हमने फंदे लेने हैं। देन हमें लास्ट में एक फंदा एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। पूरे प्रोजेक्ट पे फंदे 2 के मल्टीपल पे लेने हैं जोड़े के हिसाब से, प्लस 1 एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। देखिए इसकी बैक साइड उल्टी तरफ से ये ऐसे दिखाई देता है और ये इसकी फ्रंट साइड है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो ये देखिए मैंने इस पर डाले हैं 13 फंदे, ठीक है। एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा डाला है, बाकी दो 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 करके मैंने फंदे डाले हैं 12 और एक एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से ये 13 फंदे हैं। पहली सिलाई सीधी तरफ से बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट रो बनाएंगे राइट साइड से। तो ध्यान से देखिएगा, 4 सिलाइयों का ये टोटल डिज़ाइन है। तो देखिए पहला फंदा एस्टिचे से सीधा उतारेंगे, इसके बाद धागा आगे कर देना है, एक फंदा उल्टा बनाना है ऐसे, ठीक है। इस उल्टे फंदे के बाद हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो गया है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे। पूरी सिलाई इसी तरह से बुननी है, एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा उल्टा बनाना है, फिर एक फंदा स्लिप करना है, बिना बुने ही रखना है सिलाई पे और एक फंदा उल्टा बनाना है। तो पहली सिलाई पूरी इसी तरह से बुनी जाएगी, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप किया, फिर एक फंदा उल्टा। लास्ट में उल्टे फंदे के बाद एक फंदा जो एस्टिच है इसे सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमारी पहली सिलाई आएगी, ठीक है। अब देखिए दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, सेकंड रो बैक साइड, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, ये एस्टिच है, इसके बाद धागा पीछे कर देंगे। अब एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। पूरी सिलाई इसी तरह से बनाएंगे, एक फंदा सीधा और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। तो सेकंड रो हमने पूरी इसी तरह से बना के कंप्लीट करनी है। तो ये हमारी यहाँ पे हो गई सेकंड रो पूरी, दूसरी सिलाई पूरी बन गई। अब हम आ जाएंगे थर्ड रो पे राइट साइड, तीसरी सिलाई पे आएंगे सीधी तरफ से। तो देखिए तीसरी सिलाई, पहला फंदा एस्टिच से सीधा उतारेंगे, इसके बाद पूरी सिलाई सीधी सीधी बनानी है, सारे फंदे सीधे बना के इसे पूरा करेंगे। तीसरी सिलाई पूरी सीधी सीधी बुनी जाएगी। ये हमारी यहाँ पे हो गई है थर्ड रो पूरी। आप देखिए फोर्थ रो बैक साइड, चौथी सिलाई देखिए उल्टी तरफ से, पहला फंदा एस्टिच है इसे उल्टा उतारेंगे, इसके बाद पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो देखा आपने कितना आसान डिज़ाइन है, केवल 4 सिलाई में बनने वाला ये आसान सा डिज़ाइन है। 2 सिलाइयाँ तो देखिए, लास्ट की जो 2 सिलाइयाँ बुनी है वो तो बिल्कुल प्लेन है, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से पूरी उल्टी उल्टी। केवल फर्स्ट रो और सेकंड रो पे हमने थोड़ा डिज़ाइन डाला है। ये 4 सिलाइयाँ यहाँ पे पूरी हो चुकी है और ये डिज़ाइन भी हमारे यहाँ पे देखिए डल चुका है। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा। फिर से हमने फर्स्ट रो यहाँ पे लगानी है, जो हमने पहली सिलाई बनाई है ना, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप करा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप करा। तो इस तरह से इन 4 रो को ही रिपीट करते हुए जाना है, 4 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा। ये मैंने शेडेड ऊन पे डाला है, तो शेडेड ऊन पे भी ये डिज़ाइन बहुत ही गजब का आता है। इसका लुक देखिए कितना प्यारा ये डिज़ाइन है। तो आपने देखा ना, बनाने में भी आसान और बनने के बाद भी बहुत ही ब्यूटीफुल ये डिज़ाइन है। तो बनाइए अपने प्रोजेक्ट पे इस डिज़ाइन को और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके स्वेटर पे ये डिज़ाइन कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक तो आपने करना ही है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।